चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं यमुनानगर, जहां सीएम मनोहर लाल खट्टर सहकारिता दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। सहकारिता की संस्था को जो अपने फायदे के लिए उसमें घुस गया तो सब कुछ खींच लेगा, थोड़ा चालाक होगा तो किसी के पल्ले कुछ नहीं पड़ने देगा, सारा जेब में डाल लेगा। और मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, कहीं कहीं सहकारिता की संस्थाओं में ये हो जाता है। सबसे पहले तो हमको इससे सतर्क रहना है। कुछ प्रदेशों में सहकारिता बहुत आगे बढ़ गई है, लेकिन मैं हर साल सहकारिता के कार्यक्रम में जा रहा हूं और हर साल मेरा ये निवेदन होता है, अगर सबको साथ लेके चलने के साथ हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से सहकारिता आएगी। स्पीकर साहब ने जैसा बताया, सहकारिता हमारा मूल एक भावना परिवार से ही हो जाती है। जैसे मैंने कहा, परिवार में सब लोग का पालन एक आदमी के कमाने से हो जाता है। कई बार गांव के सामूहिक जीवन में, चाहे हमारी खेती है, चाहे हमारा पारिवारिक खुशी गमी का मामला है, शादी होती है तो गांव के सब लोग जाके योगदान करते हैं कि इस आदमी के ऊपर ज्यादा बोझ ना पड़ जाए। क्या बोलते हैं उसके, नोंदा, न्योत, क्या बोलते हैं इधर, क्या न्योंद, न्योता, पैसा, तो न्योता दे के आते हैं, ताकि एक परिवार में बेटा बेटी की शादी है तो उसके पास पैसा नहीं है, सब गांव के लोग या रिश्तेदार मिल करके उसको 10-5 हजार की व्यवस्था। आज तो पैसे वाले उस बात को छोड़ते जा रहे हैं, केवल लीक रह गई है, जो जाता है वो 11-21 रुपए डाल के लिफाफे में, पता ना लग जाए कि हाँ कितना डाला, लिफाफे में बंद करके दे के आते हैं। पहले बंद करके नहीं देते थे, बहियों में लिखवा के लाते थे कि सहकारिता में मैंने इतना पैसा दिया है, कल को इसके घर में शादी है तो वो व्यक्ति उतना तो दे के आता ही है, और कभी डबल दे के आता तो वापस फिर उसके घर में होती, तो वो ऐसे आदान प्रदान करते थे, सहयोग, सहायता, सहकारिता। और दूसरी बात, मैं तो सरकारी अधिकारियों को भी कहता हूँ, पार्टी में भी चर्चा करता हूँ कि सहकारिता पर सरकार का शिकंजा कम से कम होना चाहिए। अब ये सहकारिता कई बार सरकारी भावनाओं से चलने वाला कार्यक्रम हो गया है, ये सहकारी रहने के बजाय सरकारी बन गया है। सरकारी रहेगा तो सहकारी खड़ा नहीं हो सकता। सहकारी तो जिन लोगों की संस्था है उनके हवाले करनी पड़ेगी, नफा हो तो उनका, घाटा हो तो भी उनको पर डालना पड़ेगा, ताकि वो बैठ के विचार करें ये घाटा क्यों हुआ। घाटे की भरपाई सहकारिता के लोग खुद करेंगे तब सहकारी आगे बढ़ेगा। अगर केवल नफा बांटने के लिए हम, घाटे के लिए सरकार, तो नफा कभी होगा ही नहीं। मित्रों, हमने तो विचार किया है धीरे धीरे कि सहकारिता की वही संस्थाएं आगे बढ़ाएंगे जो लाभ कमाएंगे। लाभ सरकार को नहीं लेना, वो लाभ कमा के जो सरकारी सहकारिता में जो सदस्य हैं ये उन्हीं को बटना है, ये डिविडेंड उनका है, उनका लाभ है। लाभ कमाओ, लाभ कमा के बांटो, अपने घर का गुजारा करो, आगे बढ़ो।